हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे एंट्री हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, पहले मैंने जो बताया था एक यहाँ पे एक डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो साथ में जो एक बियरिस पैटर्न जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम अगर तीन कैंडल को देखें तो एक बियरिस पैटर्न फॉर्म हुआ था कैंडल स्टिक पैटर्न से। तो लास्ट आप देख सकते हैं 3 डेज, लेकिन एक यहाँ पे मैंने जो एक सपोर्टिंग लाइन डाला था एक अराउंड 3700 में, तो उसको 3 डेज ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज जो देख सकते हैं, ये 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रुका हुआ है। तो जो बियरिस पैटर्न फॉर्म हुआ था यहाँ पे, लेकिन इसको कंटिन्यू कर नहीं पाया, फिर से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। तो ये अगर हम देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप, एक जो मैंने ये यहाँ पे डाला स्ट्रीमों को 60 लाइन, तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट अभी तक कर नहीं पाया और प्राइस एक ट्रैपिंग जोन में आ गया। तो अगर छोटा टाइम फ्रेम में देख सकते हैं हम इसको, और 4 आवर में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक प्राइस अभी ट्रैपिंग हो रहा है, राइट, तो एक ये जोन में ही, यहाँ पे ये एरिया में प्राइस ट्रैपिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है आपको अगर एंट्री करना है तो ये रीजन कि बाहर में ही आपको एंट्री करना सही रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो जोन है इसका बाहर में ही आपको एंट्री करना सही रहेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत और कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज को भी देखें तो मूविंग एवरेज थोड़ा ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, और अगर मूविंग एवरेज 200 ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर लिया तो मार्केट जितना भी रिटेस्ट करे तो हमारे ट्रेडर के लिए जो एंट्री करना है बाय में, तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने का चांसेस है, राइट। तो अगर हमको एंट्री करना है, कौन सा डायरेक्शन में एंट्री करना है तो देखना है, तो हमें अगर एंट्री करना है तो उसका ऊपर जो प्रीवियस हाई बनाया था पहले दिन, तो अराउंड 3830 के आसपास से आप बाय लेना चाहिए। अगर सेल में जाना चाहता है तो इसका नीचे, जैसे आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज, तो इसका 200 मूविंग एवरेज के आसपास नीचे में ही आपको एंट्री करना चाहिए। तो मुझे लगता है आज ये मार्केट ये रेंज में ही रहेंगे, तो आपको अगर ये रेंज में ट्रेडिंग करना है तो कर सकता है, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट मुझे नहीं लगता है आज दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस के आसपास निकल जाएगा, फिर से वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आ सकता है, तो यही रेंज में रुक सकता है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।